जहां पूरे देश में आज अष्टमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, वहीं पलवल के प्राचीन पथवारी मंदिर पर भी अष्टमी का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह भक्तों की जो है भीड़ यहां पर लगी हुई है। मैं आपको बता दूं, नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि महागौरी को समर्पित है, इस दिन बता दें कि महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में भगवान शिव के साथ विराजमान रहती हैं। यह आठवें दिन महागौरी की पूजा होती है। इनके जो विधि है, आरती है, मंत्र है, स्वरूप है, आज हम इसके बारे में जानते हैं। इससे पहले आपको मैं बता दूं कि किस तरह की भीड़ मंदिर के अंदर दिखाई दे रही है। प्राचीन मंदिर पथवारी मंदिर के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर माता के आठवें स्वरूप की पूजा आज की जा रही है। माता का स्वरूप देवी भागवत पुराण के अनुसार जो माँ महागौरी है सफेद वस्त्र धारण करती हैं, उनका रंग गोरा और चार भुजाएं होती हैं। माँ महागौरी श्वेतम धरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि महागौरी अपने भक्तों के लिए अन्नपूर्णा को स्वरूप हैं। उनका स्वरूप उज्ज्वल और कोमल है। माता के हाथ में त्रिशूल डमरू, तीसरे हाथ में अभय और चौथे हाथ में वर मुद्रा स्थापित होती है। माता की जो सवारी होती है वह नंदी माता की सवारी कही गई है। यहाँ पुजारी महंत मेरे साथ मंदिर में मौजूद है, इनसे जानते हैं जो महागौरी की पूजा है। पंडित जी बताएंगे जो आज कौन सा स्वरूप जो है महागौरी का, जो स्वरूप है, किस तरह उनकी पूजा की जाती है, प्रिय फल क्या है माता का? आज अष्टम नवरात्रा महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि माता महागौरी को भक्त लोग पान फूल चढ़ाकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। क्या स्वरूप, कैसा स्वरूप होता है माता का, क्या सवारी होती है माता की? गौरवर्ण होने के कारण इनको महागौरी कहा जाता है जी। और ब्रक यानी बैल की सवारी होती है माता आज के दिन। तो माता का प्रिय फल क्या है और प्रिय मिठाई आज की क्या है माता की? आज का प्रिय नारियल और बर्फी का। आज के दिन जो व्रत रखती हैं कन्याएं, आज उनका व्रत खोला जाता है, किस तरह व्रत खोला जाता है और अष्टमी के दिन कन्याएं भी जिमाई जाती हैं, ऐसा कहा जाता है? देखो, जिनके यहाँ सप्तमी बनती है वो अष्टमी को कन्या जिमाते हैं और जिनके यहाँ नवमी बनती है वो नवमी को कन्या जिमाते हैं। और पूरी से कन्याओं का भोग लगाकर फिर प्रसाद ग्रहण करते हैं। आज का भोग हलवा चने का भोग होता है, इसके अलावा भी और कोई भोग होता है? नहीं, हलवा चने का आज का मेन भोग नहीं है। ये महागौरी की आज पूजा की जा रही है। भक्तों का तांता सुबह 4 बजे से ही पथवारी मंदिर पर लगा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि जो महागौरी की जो सवारी है वह नंदी की सवारी है, क्योंकि महागौरी भगवान शिव की अर्धांगिनी के रूप में जो है उन्हें यहाँ पूजा जाता है। एक हाथ में माता के जो है त्रिशूल होता है, एक हाथ में जो है तलवार होती है। स्वरूप माता का बड़ा भव्य यहाँ पर देखने को मिलता है। गौरी भगवान शंकर की अर्धांगिनी है महागौरी, उनकी पूजा करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। आप देख सकते हैं किस तरह भक्त यहाँ पर दीप प्रज्वलित करते हैं और माता को जल चढ़ा रहे हैं। माता का प्रिय फल नारियल है, तो उस तरीके से यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ माता की पूजा की जा रही है। मैं आपको बता दूँ महागौरी की पूजा करने की जो विधि है वह सुबह जल्दी उठकर स्नान करके आदि करने के बाद साफ सफ़ेद रंग वस्त्र धारण करके उसके बाद महागौरी की प्रतिमा को गंगा जल से शुद्ध करके महागौरी को सफ़ेद रंग वस्त्र धारण किए जाते हैं। भक्त जन भी यहाँ मेरे साथ मौजूद हैं। आज कौन से माता का स्वरूप, कौन सी पूजा की जा रही है, कौन सी देवी का पूजा जा रहा है? दुर्गा माता की, शेरावाली माँ, अम्बे माँ, जय जय जगदम्बे माँ, नौ देवी दुर्गा, जय। सुबह कितने बजे से यहाँ भक्तों का तांता लगना? 4 बजे से खुल जाता और अब रात तक पूरे चले। क्या आपने भी व्रत किए हैं माता के? हमने भी व्रत किया। कब खोलेंगे आप व्रत? ये कल खोलेंगे जी। किस तरह व्रत किए जाते हैं, व्रत में क्या खाने पड़ता है, किस तरह खोले जाते हैं व्रत? ये व्रत अपना खाने के लिए ये चावल है, वैसे चावल व्रत वाले व्रत का सामान है और ये केले और फल फ्रूट से अपना व्रत खोलो। कन्याएं भी जमाई जाती हैं? कल जमाई जाएंगी कन्या। कितनी कन्याएं जमाई जाएंगी? 9, एक लांगुर 9 कन्या ये जमाई जाती हैं, फिर व्रत खुल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर भक्तजन भी जो है बड़े
भक्ति भाव के साथ माता की पूजा के लिए उमड़े हुए हैं। सुबह 4 बजे से यहाँ भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है और माता की पूजा जो है सुबह 4 बजे से होनी शुरू हो रही है। जिन्होंने व्रत रखे हैं माता के वह 8 बजे व्रत का जो खाने का सामान होता है वो अन्न का परहेज उसमें किया जाता है, अन्न नहीं खाया जाता है, फल आदि जो है इस व्रत में लिए जाते हैं। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे। मैं पलवल से लोकल 18 के लिए ज्योति खंडेलवाल।